गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वो देखिए मेरे पीछे कियान खड़ा है। कियान आज वो थोड़ा सा सुस्त है, उसको हल्की हल्की सर्दी है और अभी फिलहाल उसके मुंह में खाना भी है, इसलिए वो अभी कुछ नहीं बोल पाएगा। आप भूल जाइए 10-15 मिनट के लिए उसको। और अभी टाइम हो गया है 8 बज गए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा मेरी घड़ी, अभी 8 बज गए हैं। और आज मैं डिनर में क्या बना रही हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे हर बार की तरह मैं लंच या डिनर कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आज मैं डिनर में क्या बना रही हूँ आइए देखते हैं। डिनर में है आज मेरा मशरूम। यहाँ पे मैंने मशरूम को काट के रखा है। यहाँ पे मैंने 2 मिर्चा ले लिया है, अदरक ले लिया है, प्याज, लहसुन, टमाटर, आलू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में करके पानी में भिंगो के रखे हैं। और ये है मेरे सूखे मसाले में क्या क्या डालूंगी वो सब है। और वो देखिए एक मैजिक हो रहा है। मैजिक ये है कि कियान का मुंह अचानक से खाली हो गया और खाली होने के बाद महाशय वेरी नाइस खुद से खाने लगा है। वेरी गुड कियान, अब धीरे धीरे खुद से खाने लगा है। खाओ खाओ, वो देखिए उसको जितना पसंद आएगा वो अपने से खाएगा। उसके बाद तो फिर मैं हूं उसको खिलाने के लिए। इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि ताकि वो खुद से भी खाना सीखे, और जितना नहीं खा पाता है तो फिर मैं खिलाती हूँ उसको, क्योंकि 1-2 बार तो उसको पेट भर के खिलाना ही पड़ेगा। मैं आज जो मशरूम की सब्जी बनाऊंगी वो मशरूम की सब्जी बहुत ही सिंपल सब्जी है, डेली डे टू डे लाइफ की सब्जी है। तो अगर आपको वो मशरूम की सब्जी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये कोई बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली सब्जी नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ में तेल मसाले वाली सब्जी हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और फिर रात का समय है, रात को हमें इतना ऑयली भी नहीं खाना चाहिए। तो सिंपल रोटी के साथ एकदम बेसिक सब्जी मैं बनाऊंगी। तो आइए देखते हैं सब्जी को मैं कैसे बनाती हूँ। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो मैं फिर से बोलूँगी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मशरूम की सब्जी को बनाने से पहले मैं आपको एक देसी जुगाड़ दिखाती हूँ। मेरा एक्चुअली इंडक्शन जो है वो, उसका जो बटन्स होते हैं इंडक्शन के जो बटन्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो ख़राब इन द सेंस जो बटन्स हैं वो मेरे एकदम दब गए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए ये वाले बटन मेरे दब गए हैं, ये वाला बटन भी मेरा दब गया है। तो मेरा देसी जुगाड़ है ये देखो, ये एक्चुअली रोहन का आइडिया है। और जब भी हमको इंडक्शन ऑन करना रहता है तो हम लोग इससे ऐसे ऐसे करते हैं। ये है एकदम परफेक्ट देसी जुगाड़, ये देखो। अभी अगर मेरे को इंडक्शन को ऑन करना होगा तो मैं इस लकड़ी से, ये देखो मेरा इंडक्शन ऐसे ऑन हो गया। अगर कम करना है तो इससे कम करूँगी, मतलब ये मेरा एक पेन हो गया जिससे कि मैं करती हूँ, है ना देसी जुगाड़ एकदम मस्त वाला। ये मतलब इंडियन वुमेन्स का दिमाग, इंडियन वुमेन्स का दिमाग मेरा दिमाग नहीं है, रोहन का दिमाग है। चलो मशरूम की सब्जी बनाते हैं। मैंने इसमें सरसों तेल डाला है, मैं ज्यादातर खाना सरसों तेल पे बनाती हूँ इसलिए मैंने सरसों तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें जीरा, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, अब मैं इसमें प्याज को डाल दूंगी। जैसे ही मेरा जीरा तड़कने लगा है अब मैं इसमें प्याज को डाल दूंगी। प्याज को हल्का सा लाल होने तक फ्राई करूंगी। इधर जब तक मेरा प्याज फ्राई हो रहा है तब तक मैं इसमें ये मेरा जो अदरक लहसुन और मिर्ची था उसको मैं इसमें हल्का सा क्रश कर ली हूँ। अब मैं इसमें क्या करूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी, और नमक डालने से इसको और अच्छे से ये एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। ये मैंने इसमें नमक डाल दिया, अब मैं इसको पीसूंगी तो ये एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा प्याज फ्राई हो गया है,
ये देखिए, ये इस टाइप से मेरा अदरक लहसुन और मिर्ची, ये तीनों मेरा पेस्ट बन गया। अब मैं इसको हल्का सा फ्राई करूंगी। इसको फ्राई करने के बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी। ये मेरा प्याज अदरक लहसुन जैसे ही हल्का फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें टमाटर को डालूंगी। वो एक टमाटर जो मैंने दिखाया, मैं सिर्फ एक ही अभी टमाटर डालूंगी। अब इसमें नमक, हल्दी, लाल सूखी मिर्च, सारे सूखे मसाले डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट से डालेंगे। हल्दी, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा। अब टमाटर के साथ इन सारे सूखे मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। और इसको करीबन मैं 2-3 मिनट के लिए ऐसे ढक दूंगी ताकि वो अच्छे से पके। 2-3 मिनट बाद जैसा कि आप देख रहे हो, मेरा टमाटर एकदम अच्छे से गल गया है। अब मैं इसमें आलू को डाल दूंगी ताकि ये और अच्छे से पक जाए। अब हम इसको फिर से ढक के पकाएंगे ताकि मेरा आलू भी अच्छे से पक जाए। ऐसे ढक के पकाने से क्या होता है, खाने का जो टेस्ट होता है वो और बढ़ जाता है। दो तीन मिनट बाद आज मैं एक और चीज इसमें ट्राई करूंगी जो कि मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं किया था। आज मैं डालूंगी मैगी मसाला है मैजिक। इसका बहुत मैंने ऐड देखा है, कई लोगों से सुना भी है कि इसको सब्जी में डालने से वाकई में सब्जी में टेस्ट आ जाता है। तो चलिए आज मैं भी एक पैकेट लेके आई हूँ, दिखा आज ट्राई करके देख ही लेते हैं कि वाकई में इसका टेस्ट सब्जी में आता है कि नहीं। तो इसलिए मैंने सिर्फ धनिया पाउडर ही डाला था, आज मैंने सब्जी मसाला नहीं डाला था। ये मैंने डाल दिया, इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, ये 2 बार की सब्जी के लिए हो जाएगा। इसमें जितना और बचा है इसमें 2 बार, एक बार और हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये थोड़ा सा और अच्छे से कुक हो। तो ये जो अदरक लहसुन वाला जिसमें मैंने कूटा था, उसी को मैंने अच्छे से धो के पानी को डाल दिया ताकि मेरा आलू जो है वो थोड़ा सा गल जाए। आलू जैसे ही मेरा गलेगा उसके बाद मैं इसमें मशरूम को डालूंगी। इधर मेरा आलू पक गया है। हाँ जी, मेरा आलू गल गया अच्छे से। अब मैं इसमें मशरूम को डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि वो रोटी के साथ खाने लायक हो जाए, ग्रेवी इसकी थोड़ी बन जाए। ये बहुत ज्यादा सूखा हो जाएगा तो रोटी के साथ खाते नहीं बनेगा। अगर आपको सूखा रखना है तो आप अपना सूखा भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा जो गर्म इसमें आप जो पानी डालेंगे वो गर्म हो, नहीं तो ठंडे पानी से क्या होता है थोड़ा सा टेस्ट खराब होने लगता है।
तो गर्म पानी से टेस्ट इसका बैलेंस रहता है। बस मैंने जरा सा ही डाला है पानी, अब इसको भी थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे तो हमारी सब्जी बनके तैयार। मेरी मशरूम की सब्जी बनके तैयार हो गई। अब मैं इसको एक बार आप लोगों के साथ टेस्ट करूंगी। तो ये रही मेरी मशरूम की सब्जी, अब मैं इसको टेस्ट करूंगी। वो देखिए मेरे पीछे की आन, वाकई में ये सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। और इसमें मैंने वो मैगी का मैजिक मसाला दिया था। वाकई में ये सब्जी इतनी टेस्टी बनी है, प्लीज आप लोग इसको घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये इतनी यम्मी बनी है कि मैं आज खुद की तारीफ करूंगी। हो सकता है मेरे को कई लोग बोलेंगे कि मैं मुंह मियां मिट्ठू बन रही हूँ, लेकिन ये इतनी अच्छी सब्जी है कि मैं आज खुद को अप्रिशिएट करूंगी। वेल डन, वेल डन। तो अगर आपको मेरा आज का ये मशरूम वाला सब्जी अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बाय बाय बोलो और लाइक बोलो, ये कियान की तरफ से भी एक लाइक। सो बाय बाय एंड टेक केयर। अरे वाह।